एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। हर साल हजारों लड़के लड़कियां कोलकाता से बैंगलोर आते हैं एक बेटर लाइफ, एक बेटर करियर, एक बेटर जॉब की तलाश में। जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि अपना घर बार फैमिली सब कुछ छोड़कर बैंगलोर जैसे महंगे सिटी में जाके, जहाँ पे आप किसी को नहीं पहचानते हो, जहाँ की लैंग्वेज शायद आप नहीं जानते हो, ऐसे एक जगह पे जाके नए तरह से शुरुआत करना अपनी लाइफ में, क्या ये इवन लॉजिकल है? तो कई बार मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस अपने खुद के चैनल के कमेंट सेक्शन में पाए हैं, जहाँ पे लिखा जाता है कि आप अपना घर बार छोड़ के कैसे दूसरी सिटी में आके रह रहे हो। वेल फॉर मी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, मेरे पापा आर्मी में थे, तो हर 2-3 साल में हम लोग अपना सिटी चेंज करते ही रहते थे। दो आई एम अ बंगाली, मैं कोलकाता में सिर्फ 10 साल ही शायद रही हूँ एट अ स्ट्रेच, उससे ज़्यादा मैं नहीं रही, इसलिए फॉर मी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कम टू अ डिफरेंट सिटी। इससे पहले भी मैं हैदराबाद में रह चुकी हूँ 5-6 साल तक, और उसके बाद शादी करने के बाद मैं आई बैंगलोर। लेकिन हाँ, जो लोग ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि कोलकाता से बैंगलोर में आके रहना लॉजिकल है कि नहीं, उन्हीं के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा कैंडिड और बहुत ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाली हूँ लाइफ इन कोलकाता एंड लाइफ इन बैंगलोर या बेंगलुरु के बारे में। एंड आप खुद ही पूरा कंपैरिजन देख लें, अंत तक ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन देखें, और खुद से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कोलकाता में रहना बेटर है या बैंगलोर में आके नया जॉब ढूंढ के नई तरह से शुरुआत करना बेटर है। इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली योर चॉइस। फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाली हूँ वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि जब भी कोई बेंगलुरु में शिफ्ट करने के बारे में सोचता है वो सबसे पहले सोचता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, क्योंकि बाहर के लोगों को भी ये पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इज वेरी हाई। तो बेंगलुरु में अराउंड 4 साल मैंने बिताए हैं अभी, और पिछले 4 साल में मैंने यही रियलाइज करा है कि येस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इज इंडीड वेरी हाई। ये कोई मिथ नहीं है, सच में बेंगलुरु में रहना काफी महंगा पड़ जाता है। इसीलिए अगर आप बेंगलुरु में आ रहे हैं तो दिमाग में वो बात जरूर रखें कि यहाँ पे रहना, खाना पीना, चलना फिरना सब बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। और जब उस चीज को आप कोलकाता से कंपेयर करते हैं तो वो और ज्यादा महंगा लगता है, क्योंकि कोलकाता इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट सिटीज इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। कोलकाता में आज भी एक बंदा 25 रुपीज में एक मील एंजॉय कर सकता है, जिसमें इट इज गोइंग टू बी अ होलसम मील, जिसमें आपको बहुत सारा राइस मिलेगा, आपको एक फ्राई मिलेगा, दाल मिलेगा, एक सब्जी मिलेगी, 2 माछ के पीसेस भी मिल जाएंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ होलसम मील। वही मील अगर आप बेंगलुरु में ढूंढें तो आपको एटलीस्ट 130 रुपीज पे करना पड़ेगा प्लस टैक्सेस। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु में कितना हाई है एज कम्पेयर टू कोलकाता। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2, विच इज सैलरी। तो जो भी मूव करता है दूसरे सिटी से बेंगलुरु में मूव कर रहा है, वो ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, करियर या एम्बिशन के लिए ही मूव कर रहा है, और उसमें नंबर 1 फैक्टर है सैलरी। तो अगर आप बेंगलुरु में आते हैं तो आपको जो सैलरी हाइक है वो काफी अच्छी मिलती है, आपको इजीली 50-60% सैलरी हाइक दे दी जाएगी अगर आप किसी भी बाहर के सिटी से बेंगलुरु में मूव कर रहे हैं। रीजन बी, इट इज अ नोन एंड एक्सेप्टेड फैक्ट दैट बेंगलुरु में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो कंपनीज भी ये समझती है और आपको इजीली 50-60% हाइक आपको दे देगी इफ यू आर मूविंग फ्रॉम सिटीज लाइक पुणे, फ्रॉम सिटीज लाइक ऑफकोर्स कोलकाता, भुवनेश्वर, इवन हैदराबाद। नाउ When it comes to Kolkata, unfortunately Kolkata का salary slab जो है वो बहुत ही sad है, and I'm saying this because मैंने खुद अपनी करियर की शुरुआत as an HR मैंने कोलकाता से शुरू करी थी। मैंने कोलकाता में भी अराउंड 3-4 साल काम करा है और उसके बाद मैं हैदराबाद मूव हो गई। एंड when I compare my colleagues, जो मेरे colleagues और friends अभी भी कोलकाता में हैं, उनकी सैलरी के साथ जब मैं अपनी सैलरी कंपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर मैं बोलूँ कि उनके पिछले 10 साल में कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है, वो भी गलत नहीं होगा। तो अगर एक बंदा एक पोजीशन पे, सोचिए 1 लाख रुपीज बेंगलुरु में कमा रहा है, उसी पोजीशन पे वही बंदा अगर कोलकाता में है तो उसकी सैलरी 55-60,000 होगी। अब थर्ड मेरा पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है, वो है अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज। तो व्हेन इट कम्स टू जॉब वैकेंसीज, आई कैन हैप्पीली से दैट बेंगलुरु में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल सेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है,
आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो बेंगलुरु में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बेंगलुरु में हर तरह का इंडस्ट्री है, बिकॉज हर तरह का इंडस्ट्री है इसीलिए हर तरह की अपॉर्चुनिटीज बेंगलुरु में है। लोग कहते हैं बेंगलुरु इज ओनली फेमस फॉर आईटी, जरूर आईटी तो है ही, बट बिकॉज आईटी ने बेंगलुरु को इतने ऊपर ला दिया है कि इट हैज अट्रैक्टेड अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दैट्स द रीजन आपकी आपको हर तरह का अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु में मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कोलकाता में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। व्हेन इट कम्स टू आईटी देयर आर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ कोलकाता, और आईटी को छोड़ दें तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर में भी ज्यादा तरक्की नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ, दैट्स द रीजन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं, अगर आपने कोलकाता में जॉब हंट की है तो आप खुद भी समझते हैं कि देर आर वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही कम कंपनीज है। ऑलमोस्ट आप 4-5 साल से अगर आप एक्टिव जॉब लाइफ में है तो आप देखेंगे कि आपने ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक बार इंटरव्यू दे दिया है या फिर हर कंपनी से आपको इंटरव्यू का कॉल आ चुका है। अब जिंदगी में जॉब मिल गया, आपने अपनी फैमिली बना ली, अब फैमिली को आगे लेके जाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, आपको दूसरे इंपॉर्टेंट सर्विसेज चाहिए जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन। और पिछले कुछ सालों में मैंने जो नोटिस करा है उससे मैं यही बोलूंगी कि एजुकेशन और हॉस्पिटल ये सब इस तरह की जब आप सर्विसेज देखते हैं तो उसमें भी बेंगलुरु थोड़ा आगे निकल गया है। आप अगर कोलकाता से हैं तो आपने भी देखा होगा अपने रिश्तेदारों में जब भी वो कोई मेजर बीमारी होती है तो वो बाहर ट्रीटमेंट कराने आते हैं और सबसे पहले उनका चॉइस होता है कि वो बेंगलुरु में ट्रीटमेंट कराने आए। बेंगलुरु के कुछ हॉस्पिटल जैसे मणिपाल हॉस्पिटल, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन बेंगलुरु, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल जहाँ पे मेरे पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, इन सब हॉस्पिटल्स में जैसे ही आप एंटर करते हैं आप देखेंगे कि बस बंगालीज ही भरे हुए हैं। वहाँ का स्टाफ बंगाली में बात कर सकता है, वहाँ के पेशेंट 70% पेशेंट्स जो हैं वो बंगालीज हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आते हैं। सो या दैट वे आई विल हैव टू से कि हॉस्पिटलाइजेशन का जब परिस्थिति आता है तो बेंगलुरु डज अ बेटर जॉब। एजुकेशन सेक्टर में भी बेंगलुरु में बहुत एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, तरह तरह के एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट एजुकेशन इज वेरी वेरी कॉस्टली इन बेंगलुरु एज कम्पेयर टू कोलकाता। कोलकाता के स्कूल्स जो हैं उसमें अगर आप फीस कंपेयर करें, अभी तो हर स्कूल्स में ही फीस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, लेकिन बेंगलुरु में लिटरली मतलब गला काट के पैसे लेते हैं स्कूल्स में, ऐसी सिचुएशन है, वो सिचुएशन कोलकाता में नहीं है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल्स, तब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर फीस वगैरह मुझे लगा कि बेंगलुरु में ज़्यादा रीजनेबल है। जितने पैसे में मेरे पापा का पूरा कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, वैसे तो हमें अपनी तरफ से नहीं पे करना पड़ा, वी हैड आर इंश्योरेंसेज एंड एवरीथिंग, लेकिन जिस तरह के हॉस्पिटल के बिल्स आए हैं वो ही बिल्स अगर कोलकाता में हमने ट्रीटमेंट कराया होता तो और भी ज़्यादा आता। और बहुत बड़ा डिफरेंस है कोलकाता और बेंगलुरु में और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज A1 एंड अनफॉर्चुनेटली उस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने बेंगलुरु में नहीं देखा है। कोलकाता में यू गेट ऑटोज, यू गेट रिक्शाज, बसेस की भरमार है, लोकल ट्रेन्स चलते हैं, मेट्रो चलता है। कोलकाता में आज की डेट में भी अगर किसी के पास खुद की बाइक या खुद की गाड़ी, खुद का कम्यूट नहीं है, वो भी आराम से अपना दिन गुजार सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन ये बेंगलुरु में नहीं हो सकता। यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपनी खुद की बाइक या गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट गुड येट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक। बेंगलुरु का ट्रैफिक वैसे भी वर्ल्ड फेमस है। नाउ व्हाई बेंगलुरु हैज सो मच ऑफ ट्रैफिक, देखिए जैसा कि मैंने कहा बेंगलुरु में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उतना चल नहीं है, यहाँ पे सबके पास अपना खुद का कम्यूट है, खुद की गाड़ी है। अगर किसी फैमिली में 4 लोग हैं उस फैमिली में एटलीस्ट 3 व्हीकल्स तो होंगे ही, जिसमें शायद 1 गाड़ी हो, 2 बाइक्स हो। ऐसे कई फैमिलीज हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी कार्स है, विच मीन्स 2 पीपल इन अ फैमिली दे बोथ हैव कार्स। तो जब इतनी ज्यादा पर्सनल कार्स, इतनी ज्यादा पर्सनल व्हीकल्स रोज सड़क पर उतरेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वहां का वो जाम हो ही जाएगा। अगर आप रोज ऑफिस जाके काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिलता, तो आराम से एक दिन में आपके 3 से 4 घंटे सिर्फ रस्ते पे ट्रैफिक में ही गुजर जाएंगे। अगेन कोलकाता जो है वो एक मेट्रो सिटी है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइनिंग प्लानिंग है वो सब एक मेट्रो सिटी के हिसाब से की गई है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर, मौसम, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ बेंगलुरु।
आई थिंक बेंगलुरु का जो वेदर है वो इंडिया के किसी भी सिटी से बेटर है. वैसे अभी तो काफी खराब हो गया है, अभी तो यहाँ पे भी गर्मी बढ़नी शुरू हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. बट या इफ आई कंपेयर बेंगलुरु's वेदर टू कोलकाता, आई विल गिव माई पॉइंट 100 पॉइंट्स टू बेंगलुरु. यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट जून जुलाई में से ही ठंड ठंड जैसी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड है और ऐसा भी नहीं कि समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी है. सो आई थिंक आई विल गिव फुल पॉइंट्स टू बेंगलुरु व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट. अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आऊंगी विच इज ट्रैवल एंड वीकेंड गेटअवेज, बिकॉज दैट इज माई फेवरेट टॉपिक, एब्सोल्युटली फेवरेट टॉपिक. तो यहाँ पे मैं बोथ कोलकाता एंड बेंगलुरु को इक्वल पॉइंट्स दूंगी, बिकॉज कोलकाता में भी बहुत, कोलकाता के आसपास भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप वन डे या टू डे ट्रिप मार सकते हैं. जल्दी से वीकेंड गेटअवे चाहिए, थोड़ा सा अनवाइंड होना है, सो यू कैन गो एंड चिल. बेंगलुरु के आसपास भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप एक दो दिन के लिए जा सकते हैं और चिल हो सकते हैं. जैसे कि हम अभी इन द कमिंग वीक्स वी आर प्लानिंग टू गो टू मैसूर. अपार्ट फ्रॉम मैसूर देयर इज चिकमंगलोर, उडुपी, आप तिरुपति भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं. यहाँ से कुर्ग बहुत पास है, गोवा बहुत पास है, आप एक रात बाय कार ही आप जा सकते हैं, बाय ड्राइविंग इट इज गोइंग टू बी अ नाइट्स ड्राइव एंड यू आर इन गोवा. तो ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जो मैंगलुरु के आस पास हैं. इससे इसके अलावा भी वन डे ट्रिप भी, अगर मैं बोलूँ तो वन डे ट्रिप भी काफ़ी है. जैसे कि लेपाक्षी टेम्पल हो गया, यहाँ से बहुत पास है. अवनी हिल्स है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग की जगह है. तो अगर आपको सिर्फ एक दिन का गेटअवे चाहिए कि सैटरडे है, आप सुबह निकले अपनी फैमिली के साथ शाम को आ गए, यू हैव एम्पल ऑफ प्लेसेस टू गो एंड चिल. वैसे ही कोलकाता के आसपास भी बहुत जगह है, जैसे कि दीघा हो गया, मुकुट मणिपुर हो गया, फिर मंदारमणि हो गया, देन देर इज मायापुर, नवद्वीप, दक्षिणेश्वर. ओ माई गॉड, कोलकाता के आसपास तो इतनी जगह है घूमने की, मैं मेरा लिस्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. बट या व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, आसपास थोड़ा घूमना फिरना है, चिल करना है, तो आई एम गोइंग टू गिव इक्वल पॉइंट्स टू बोथ बेंगलुरु एंड कोलकाता. बट व्हेन इट कम्स टू घूमना फिरना इन बेंगलुरु इज गोइंग टू बी वे मोर कॉस्टली देन घूमना फिरना इन कोलकाता. आप कोलकाता में अभी भी 5-7 हज़ार में दो दिन कहीं पे जाके चिल करके आ सकते हो, वो बेंगलुरु में पॉसिबल नहीं है. घर से निकले 10-15 हज़ार तो ऐसे हाथ से निकल जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे पैसे निकल गए. सो या दैट इज ऑल जो भी मेरे दिमाग में आया अबाउट लाइफ इन कोलकाता वर्सेस लाइफ इन बेंगलुरु, मैंने वो आप सबके सामने रख दिया है. नाउ यू टेक योर एजुकेटेड डिसीजन कि आपको कोलकाता में रहना है या बेंगलुरु में आना है. डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स. आई कैन जस्ट ले आउट द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. बाय द वे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं मैसूर जाने वाली हूँ, तो मैं इस तरह के भी ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ और अपने चैनल पे रखती हूँ. तो अगर आपको इस तरह के ट्रैवल ब्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट दे देती हूँ. मुझे लगता है कि मेरे दिन में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई मेक अ ब्लॉग, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू वॉच माई ब्लॉग्स ऑल्सो. एंड या अबाउट दिस वीडियो, this is it. I will meet you next time in another video. Bye bye.